हेलो फ्रेंड, जैसे कि आजकल हर मकान में, जैसे कि हर कोई मकान आजकल प्रॉपर्टी का खेत बना रहा है और उसमें हर तरह की सीलन आ रही है। देखिए हर तरह पे सीलन आ रही है। ये देखिए हर तरह की सीलन आ रही है। देखिए मकान में हर जगह सीलन आ रही है। वैसे ही जैसे कि हमारे फ्लोर है, वैसे ही इसका जो नीचे फ्लोर है उसमें भी सेम इसी तरह से सीलन आ रही है। देखिए तो उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारे बाथरूम में जो पत्थर लगा होता है, ये देखिए पत्थर जो लगा होता है, इसमें कई बार ना यहाँ पे जो सीमेंट, जब इसको पत्थर लगाया जाता है सीमेंट डाला जाता है, वो सीमेंट जो होता है हट जाता है और वो सीमेंट हटने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे पानी भिसना शुरू होता है। और पानी जब भिसता है तो नीचे वाले फ्लोर पे आपका यह हो जाती है सीमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको व्हाइट सीमेंट लेना है घर पे। ये देखिए मैंने जेके सीमेंट व्हाइट मैक्स प्रीमियम सीमेंट लिया है और आपको इसको गीला नहीं करना है। बेसिकली आपको गीला नहीं करना है इस सीमेंट को। इस सीमेंट के जो ऊपर वाले हिस्से में छोटा सा होल करना है और यहाँ पे डालना है, ऐसे मोटा मोटा डालना है, क्योंकि थोड़ा सीमेंट लगाएंगे तो आपका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा लगाना है आपको, ठीक है, ऐसे। ये देखिए और आपको हर जगह पे हर कोने में इसको अप्लाई करना है। देखिए लगा देना, जो पत्थर होता है उसमें मॉइस्चर होता है तो आपको उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको सीमेंट डाल देना है, ठीक है। आपको जहां भी लगे कि सीमेंट आपका उखड़ रहा है वो आपको डाल देना है। आपको ऐसे डाल देना है सीमेंट। सीमेंट यूज करने में आपको कोई भी यूज नहीं करनी है, अच्छे से आपको सीमेंट लगाना जहां भी आपको पानी खड़ा होता हो वहां पे आपको सीमेंट लगा देना। ये देखिए ऐसे, उधर ज्यादा पानी हो वहां पे आपको अच्छे से बनाना है। देखिए आपको इस तरह से सिर्फ पैकेट ओपन करना है व्हाइट सीमेंट का। ये देखिए जैसे मैंने किया व्हाइट सीमेंट का पैकेट ओपन, और आपको ऐसे ऐसे रटना है जिससे यह हो कि जो सरफेस है उससे अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है, जिससे हमारे फ्लोर नीचे वाले फ्लोर पे जो सीलन आ रही है वो सेफ हो जाएगी और हम बच जाएंगे। और हमारे नीचे वाला फ्लोर है जो सीलन आने से रुक जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कि किस तरह से आप पत्थर में से जो वाइट सीमेंट हटने के बाद जो रिसाव होता है और उसके नीचे वाले फ्लोर पे जो सीलन आती है उसको रोकना हो तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।